नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। कभी कभी ऐसे मंजर जिंदगी में सामने आते हैं जिनको देखने से पहले लगता है कि हम शायद आंखों के बिना होते, जिनको देखने से पहले, कुछ बोलने से पहले ये लगता है कि शायद गूंगे हो जाते, क्योंकि उसमें माँ की चीत्कार दिखती है। उस मंजर में सपनों को मरते हुए देखा जाता है। उस मंजर में देखा जाता है कि किस तरह से लाल फीताशाही सरकारों को, पूरे गांव का, चिकित्सालयों का, स्कूलों का मौसम गुलाबी बताती है। ये वो दृश्य हैं, ये वो मंजर हैं जो आम होते हैं, लेकिन शायद मौतों की संख्या कम होती है, इसलिए ध्यान ज़रा कम जाता है। इन 30 से ज़्यादा बच्चों की मौतों ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि आखिरकार आज़ादी के 70 साल बाद भी हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम ऐसे ही नौनिहालों को मरते देखेंगे? क्या हम इसी तरह से सियासी दलों के मुआवजे की बात करेंगे कि सियासी दल कहें कि मुआवजा दे सरकार? आखिरकार ये मौतों का सिलसिला कब रुकेगा? बहरहाल, ये मौतें नहीं हैं, ये वो सपने हैं जो मार दिए गए हैं। ये कृत्य है, ये क्राइम है जो माफ करने लायक नहीं है। शायद इस बड़ी त्रासदी से सरकार सबक ले और ये सबक ले कि इस घटना के बाद हमको पहले शर्मिंदा होना है, पहले अफसोस जताना है, उसके बाद हमें यह सोचना है कि एक एक बच्चा हमारे लिए कितना कीमती है। क्या वो गरीब है, उसका गुनाह यही था? क्या उसके पिता के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो एक बड़े हॉस्पिटल में जाके अपने बच्चे का इलाज करा लेता? क्या उसका गुनाह यही था? क्या उसका गुनाह यही था कि सिर्फ उसके पिता के पास ये नेता, ये हुक्मरान तब आते हैं जब उनको वोट की जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद वो बाप, एक मजबूर बाप, एक मजलूम बाप, जब एक सरकारी अस्पताल जाता है तो उस सरकारी अस्पताल में उसको बच्चे की जाती हुई सांसें दिखती हैं, उसको बच्चे की मुनती हुई आंखें दिखती हैं, उसके सपने उजड़ते हुए दिखते हैं, उसकी माँ चीत्कार करती है, लेकिन साहब यहां तो सब गूंगे हैं। वो चीत्कार नक्कार खाने में तूती की तरह है, क्योंकि इनको कुछ नहीं सुनाई देता, क्योंकि इन लोगों ने एक ऐसा चश्मा पहन रखा है जिस चश्मे में लापरवाही है, बेशर्मी है, बेशर्मी के साथ साथ एक ना उम्मीदी का एहसास है कि उनको सिर्फ उम्मीद तभी उलगती है जब वो रेड कारपेट का वेलकम करने की तैयारी करते हैं। आज हम इस बड़ी और दुखद खबर पर बहस करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान हैं। मेरे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी हैं, चिकित्सक हैं, के सिंह साहब, एस एन शंखवार साहब हैं KGMU से, और जो कि CMS हैं, और मेरे साथ संवाददाता हैं मनीष मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन ये स्वागत कहीं दिल में अफसोस जता रहा है कि आज़ादी से 2 या 3 दिन पहले हम इस खबर पर बहस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सब से हमें आज़ादी कब मिलेगी, कब मुक्त होंगे, कब वो जो बच्चा एक हॉस्पिटल में जाता है वो खिलखिलाता हुआ वापस आएगा। मैंने पहले भी एक शेर पढ़ा था निदा फाजली का, कि यहाँ से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ऊपर वाला भी यही चाहता है कि कोई रोते हुए बच्चे को जब आप हंसाते हैं तो ऊपर वाला खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ तो बच्चों की सांसें लूट ली गईं, यहाँ तो बच्चों की सांसें रोक दी गईं। तो आप समझ सकते हैं शायद ऊपर वाला भी आज रो रहा होगा, आंसू बहा रहा होगा, दुख जता रहा होगा कि आखिरकार जिन डॉक्टर्स को, जिन हुक्मरानों को ये हुनर दिया है कि वो इन बच्चों को बताएं, वो ऐसे कैसे हो गए। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास मैं जाना चाहूँगा, ये जो पूरी घटना है इस पर कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री को जाना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आपकी पार्टी इस पूरे ये दुखद घटनाक्रम पर क्या रिएक्शन चाहती है सरकार से कि क्या होना चाहिए? श्रेय भाई, प्रश्न कुछ ऐसे हैं, सवाल कुछ ऐसे हैं। बच्चे तो चले गए,
वो तो स्वर्ग में है, उनके माँ बाप चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, वो तो नाच गा रहे होंगे वहाँ। राजनीति का विषय नहीं है, हम तो दो तीन ही बातें कहते हैं स्पष्ट रूप से कि आप इस्तीफा दीजिए न दीजिए, ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है, योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, भाजपा का कोई नुमाइंदा होता तो उससे ज़रूर पूछते। लेकिन कुछ बातें, कुछ मौलिक प्रश्न कम से कम यहाँ से जो चले गए हैं उनको ही लेकर के अगर हम लोग कुछ मौलिक प्रश्न उठा लें यहाँ से, और आगे ये घटना ना हो इस तरीके की, तो शायद और बच्चे बच जाएंगे। जैसे सुरेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक घटना हो गई, लेकिन क्या आप मुतमईन हैं कि इस घटना के बाद जिस तरह से सरकार ने रिएक्ट किया है, वो रिएक्शन क्या आपको लगता है कि उतनी संजीदगी से है? अगर वो संवेदनशील रिएक्शन होता श्रेय भाई, तो आप स्वयं कह रहे होते, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कर रही है सरकार। सरकार कल रात तक 12 बजे तक ये मानने को तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरे हैं। वो कह रहे हैं कि इंसेफ्लाइटिस से 2 बच्चे मरे हैं, 2 H1B1 से मरे हैं, 3 इससे मरे हैं, 5 इससे मरे हैं। आशुतोष टंडन ये बता रहे हैं, सारे आंकड़े बता रहे हैं। अदम गोडवी के शेर के मानिंद की तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी। आज तो शेर कहने का भी मन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से संवेदनहीनता का रवैया सरकार दे रही, आप मुझे बताओ क्या दुनिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में कोई मेडिकल टूरिज्म करने जाता है? कोई आदमी घूमने जाता है? पर्यटन की जगह है क्या? वहां बीमार ही तो लोग जाएंगे, वो इंसेफ्लाइटिस से मरेंगे, बुखार से मरेंगे, वायरस से मरेंगे, किसी चीज से। तो वो मेडिकल कॉलेज में तो अच्छा स्वस्थ आदमी तो जाता नहीं, जाते तो बीमार ही बच्चे हैं ना, तो बीमारी से ही मरेंगे। और ऑक्सीजन की अगर कमी होगी, दवाओं की कमी होगी, वहां पर बाकी इलाज की कमी होगी, तो यह कहने की जगह पर आप उनको तकनीकी रूप से अपनी सरकार को बचाने का एक भोंडा प्रयास करेंगे, निर्लज्ज प्रयास करेंगे? यही भारतीय जनता पार्टी आज, काश अगर ये विपक्ष में होती तो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश जलाए हुए होते ये लोग। जिस तरीके के कुतर्क ये लोग कर रहे होते, इतिहास में आपने ऐसे कुतर्क कई बार देखे होंगे इन्हीं के नेताओं के द्वारा और उन्हीं के लोगों के द्वारा, चाहे आशुतोष टंडन हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, भारतीय जनता पार्टी के समय पद प्रमुख श्री नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, किस तरीके की भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते थे। आज कम से कम उस भाषा को नहीं, उस संवेदनशीलता को तो दिखा दीजिए। कह दीजिए कि हाँ ऑक्सीजन की कमी थी, कह दीजिए कि हम क्षमा मांगते हैं उन बच्चों से, आगे नहीं होगा। सुरेंद्र जी, क्या ये क्षमा से सब ठीक हो जाएगा कि या वो बच्चे वापस आ जाएंगे? सर ये तो बाल नरसंहार है, क्षमा से ठीक नहीं होगा, ये तो सच है, लेकिन किसी की अकाउंटेबिलिटी को आपको मैं ये कह रहा हूं कि क्या ऐसे लोगों पे मुकदमा नहीं दायर होना चाहिए? हत्या का नहीं, इनके ऊपर नरसंहार का। मैंने तो कहा ना कि बाल नरसंहार हुआ है, बाल नरसंहार का मुकदमा होना चाहिए पूरी सरकार के खिलाफ, और उनके खिलाफ विशेष तौर पर जो इसको उसके बाद निर्लज्ज तरीके से बचाने का काम कर रहे हैं। एसएन शंखवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन शंखवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से गोरखपुर की घटना सामने आई है, ऑक्सीजन की कमी जो एक बेसिक एम्यूनिटी है, मुझे लगता है किसी भी हॉस्पिटल में बेसिक एम्यूनिटी होती है ऑक्सीजन, छोटे छोटे जो पीएचसी सेंटर है वहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध रहती है और वहाँ पर लोगों को सुविधा ये आसानी से मिल जाती है। लेकिन बीआरडी कॉलेज, जो गोरखपुर का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर ऑक्सीजन का ना होना, आप कितना गंभीर मानते हैं इस पूरे घटना को कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी? ये चेताया गया बार बार कि ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक सकती है, लेकिन सब लोग आँख मूंदे बैठे रहे और सब लोग बैठे रहे कि कोई दूसरा इस काम को करेगा, यानी कि लापरवाही की जो हद थी वो बढ़ती गई और ये 50 का आंकड़ा पहुंच गया। जी 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 जी, ऑक्सीजन जरूरी तो है ही। अब दो तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई मेंटेन किया जाता है, एक तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन गैस होता है, दूसरा ये कि सिलेंडर्स में होता है। तो अगर कभी कमी आती तो सिलेंडर पहुंचा करके आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सकता है। अब वहाँ क्या परिस्थितियाँ रही, अगर गैस कम हो रही थी तो इसके लिए इमरजेंसी व्यवस्था जरूर रखनी चाहिए थी, और अगर कोई दूसरी दिक्कत आ रही थी उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया जाना चाहिए था अगर उसके पेमेंट्स में प्रॉब्लम थी। दूसरी तरफ सप्लाई करने वाली कंपनी का भी दायित्व तो बनता है कि वो एकदम से ऐसे अब्रप्टली ना बंद करती अगर उसने ऐसा किया है तो, साथ ही साथ उसको उच्च अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था कि हमारे पेमेंट में प्रॉब्लम है जैसा कि सुनने में आ रहा है। तो कुल मिला के ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करना बहुत जरूरी था, चाहे तो वो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन गैस से करते या सिलेंडर की प्रोसेस से करते।
लेकिन शेखवार साहब कल तक तो ये कहते रहे, डीएम कहते रहे, जो बीआरडी का प्रशासन था वो ये कहता रहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी से मौत ही नहीं हुई है। तो ये एक अजीब सी बात है ना कि आप गुमराह कर रहे हैं, पूरी सरकार को गुमराह कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन कमी सामने आ गई। तो उससे उनके इंटेंशन में, क्योंकि आप भी केजीएमयू के सीएमएस हैं, आपको भी तमाम इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन वो जो ये जो बचने की स्थिति थी, इससे लगता नहीं कि कहीं ना कहीं संवेदनहीनता है उनके अंदर? अब उस मामले में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जो वहां उपस्थित था उन्होंने किस तरह से देखा, कैसा देखा, ये उनका अपना है। और लेकिन यही है कि वहां के जो अधिकारी लोग थे चिकित्सा विश्वविद्यालय के, उन लोगों को विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए था कि यदि कमी हो रही है तो उसे जरूर ठीक करते, और प्रपत्र वगैरह सब कुछ होंगे होनी चाहिए वहां पर। तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि ये लोग प्रिपेयर नहीं थे, प्रिपरेशन नहीं थी, जबकि गोरखपुर में और कहा जाए कि पूर्वांचल में जो इंसेफलाइटिस है वो इतने लंबी गहरी जड़ें जमा चुका है, तो वहां तो और ज्यादा व्यवस्था होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं इसे सहमत हूँ, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और आग लगने पर कुआं खोदने जैसी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए, पहले से अच्छी व्यवस्थाएं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा तैयारी अच्छी होती नहीं, कहते नहीं है बेल बिगिन इज हाफ डन, तो हमेशा प्रिपेयरनेस बहुत अच्छी रहनी चाहिए, और कभी भी कोई दिक्कत हो उच्च अधिकारियों को अवश्य सूचित करना चाहिए कि हमें ये जिनकी चीजों की जरूरत है और मुहैया कराया जाए, तो ये अच्छी अप्रोच रहती है। केजीएमयू किसी भी इस तरह की स्थिति अगर कोई हो, भगवान ना करे इस तरह की स्थिति हो, तो उससे निपटने के लिए अपने पास संसाधन मौजूद हैं? हाँ जी, हमारे पास संसाधन मौजूद हैं, हम लोग बहुत सक्रिय भी रहते हैं, अगर दूसरी जगह भी कोई घटना होती है उसको भी, उससे भी एक लेसन लेकर के और भी सक्रिय रहते हैं। हमारे यहाँ जितने भी चिकित्सकों की टीम है, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और मैं खुद ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हूँ, सभी लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, कभी भी कोई किसी तरह की अगर जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ जो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, जब उसमें 40% रह जाता है तो हम लोग शुरू हो जाते हैं कि नहीं फिल करो, और हमेशा स्थिति को दुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि जब 40% टैंक रह जाता है तो आप लोग ये तैयारी करने लगते हैं कि इसको फिल किया जाए, यानी कि वहां पर जब ऑक्सीजन सिलेंडर का, ऑक्सीजन का जो टैंक है उसका स्तर शून्य पे पहुंच गया, तब ये लोग जागे, और तब तक 30 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो चुकी थी। मेरे साथ वीके सिंह जी हैं। वीके सिंह जी, इंसेफलाइटिस जैसी बीमारी, और इंसेफलाइटिस जैसी बीमारी में ऑक्सीजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता होगा मेरे ख्याल से, तो आखिरकार ये बीमारी क्या है और इससे निपटने के लिए जो बेसिक एमिनिटीज थी वो किस तरह से होनी चाहिए, और आपको क्या लगता है कि ऑक्सीजन का ना होना ये क्या एक पूरे के पूरे सिस्टम पर का मजाक नहीं उड़ाया गया? आपने बहुत सही सवाल किया है, ये बहुत दुखद घटना हुई, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि घटना अच्छी है या कम खराब है, सब बहुत अति दुखद घटना है, लेकिन इसकी एनालिसिस में और दोषारोपण में शायद कुछ जल्दबाजी हुई है कल सभी लोगों से, बचाव पक्ष से भी और जो लोग दोषी ठहरा रहे हैं उनको भी। देखिए, जब घटना हर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रोज कितनी मौतें होती है इंसेफलाइटिस से, इसका आंकड़ा अभी सार्वजनिक नहीं है, असलियत में उस 24 घंटे के अंदर कितनी मौतें हुई इसका भी आंकड़ा अभी सार्वजनिक नहीं है, आज भी कुछ टीवी चैनल पर चल रहे हैं 50। जब ऐसी घटना होती है तो मैं इस चैनल को या उस चैनल की बात नहीं कहता हूँ, कुछ लोग या विरोधी लोग उस पर रोटियाँ सेकते हैं, कैसे, जैसे 2001 में केजीएमयू में एक ऐसी ही घटना हुई, बहुत उत्तर प्रदेश भगवान प्रदेश है कि 17 साल में ऐसी घटना नहीं हुई, आज बहुत दुर्भाग्य कि इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि एक पेपर में फ्लैश हुआ कि 17 बच्चे मर गए ऑक्सीजन की कमी से, उसको जब एनालाइज किया गया तब अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से सांसद थे, पार्लियामेंट चल रही थी, पार्लियामेंट रुकी, ये हुआ कि नहीं, उसकी रिपोर्ट 6 घंटे में चाहिए, जब उसकी एनालिसिस हुई तो ये पता चला 17 नहीं 9 बच्चे मरे थे, 4-5 बच्चे उस घटना के 4 घंटे पहले और वो पीरियड के बाद भी कुछ बच्चे मरे, उसके बाद जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि एक ही वार्ड में 9 बच्चे मरे थे, ये सत्य बात थी, लेकिन उस वार्ड में करीब 40 बच्चे ऑक्सीजन पे थे, तो मूल प्रश्न ये उठा कि अगर ऑक्सीजन की पूरी कमी हो गई तो 9 मरेंगे 31 क्यों बचेंगे, तो
उसी तरह से इस घटना को एनालाइज करने के लिए, दोषारोपण करने या बचाव करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि रोज कितनी मौतें होती थी और ऑक्सीजन की कमी से वाकई कितनी मौत। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये उठता है ना कि बात ये नहीं है कि 9 मरे कि 10 मरे, जिस घर से एक बच्चा मरता है उसके दर्द को आप मेरे ख्याल से समझ सकते होंगे और आपको समझना भी चाहिए। सही है। तो हमारा जो मीडिया का काम है वो ये बताना है कि यहाँ पर कमी है। और मीडिया, अगर आप देखिए मीडिया और खासतौर पर गोरखपुर के अखबार रोज इस बात को लिख रहे थे कि वहां दिक्कत है, रोज इस बात को वहां लिख रहे थे, तो इस बात से बचा नहीं जा सकता कि वहां पे एक बच्चा मरा कि 10 बच्चे मरे। मेरा ये सिर्फ कहना है कि क्या हम आंकड़ों के ऊपर उस खबर की गंभीरता को लेंगे? नहीं, अगर वहां 32 मरे हैं बिल्कुल या 50 मरे हैं, बच्चा मरा है, बच्चे, अगर बच्चे तो मरे हैं ना, बच्चे तो मरे हैं, एक भी बच्चा मरा, बच्चों की बात तो हम एनालिसिस तो करेंगे ना। बिल्कुल, जहां पर हजारों बच्चे मर रहे हैं, जहां पर इंसेफेलाइटिस को लेके हजारों बच्चे मर रहे हैं, वहां पर हम विवेचना करेंगे। ये हमारा अधिकार है, ये जनता का अधिकार है कि हम कहेंगे कि यहां पर एक बच्चा भी क्यों मरता है, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स अपने बच्चों को मारने के लिए नहीं देते हैं, हम टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि हॉस्पिटल में जाएं तो हम वहां पे ऑक्सीजन ना मिले, हम टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि वहां पर जाएं तो डॉक्टर ना मिले, हम टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि हमें एम्बुलेंस ना मिले, हम टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि जब एम्बुलेंस को बुलाया जाए तो वो कहे मेरे पास डीजल नहीं है, हम टैक्स इसलिए नहीं देते हैं, हम आपको वोट इसलिए देते हैं, हम आपको जो जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी हमारे टैक्स से जाती है तभी आपको सैलरी मिलती है। तो इससे बचा नहीं जा सकता कि वजह क्या थी। वजह सिर्फ एक थी, वो मुझे नजर आती है, लापरवाही वजह थी। और इसको आपको मानना पड़ेगा कि ये एक लापरवाही है और एक बड़ी लापरवाही है जिसकी एक बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मैं भी आपको एक बाइट सुनाऊंगा जो प्रवीण है जिन पे आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनका जो टेंडर था या उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म कर दिया था और वो मानवता के नाम पर वहां पे ऑक्सीजन दे रहे थे। अब पूरा का पूरा ठीकड़ा उस आदमी पर थोप दिया गया कि इन पर कार्रवाई होगी, किसी दूसरे को दे दिया गया था। मैं पीसीआर से कहूंगा उनकी बाइट जरा प्रवीण की सुनाएं। नहीं, सप्लाई देने का तो कोई कम सप्लाई का कोई मैटर ही नहीं था। ऐसा है कि कई बार इस तरह की दिक्कत और भी आई थी और हम लोग ने आकस्मिक सप्लाई दिया था और कभी भी मतलब इस तरह की दिक्कत नहीं आने दी थी। कल जब हमने आपके स्थिति की जानकारी हुई तो मेरा ऑर्डर तो है नहीं लेकिन मानवता के आधार पे हमने सप्लाई कंटिन्यू रखी है और अभी तक करीब 200-300 सिलेंडर भेज के स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही, राजधानी के केजीएमयू ऑक्सीजन प्लांट भी आईसीयू में, गोरखपुर ऑक्सीजन कांड से सबक लें। यह कहा जा रहा है कि वहां का जो प्लांट है वो जर्जर हो चुका है। 3 साल में 6 बार निकला प्लांट संचालन का टेंडर और जर्जर पाइपलाइन के सहारे हो रही है सप्लाई, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। ये खबर आ रही है कंप्रेसर खराब होने से रुक चुकी है एक बार सप्लाई, जिस चीज़ का हम लोग जिक्र कर रहे थे और ये पूछ रहे थे सीएमएस साहब से कि ये आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन पिछले 3 महीने से कंपनी को पेमेंट नहीं मिला है। ये कंपनी का कहना है, कंपनी के बिल लगातार पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये कंपनी का कहना है। तो कभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरह से गोरखपुर में हुआ कि उसका बकाया था और बकाया होने के बाद फिर सप्लाई बंद कर दी गई। मेरे साथ शंखवार साहब है। शंखवार साहब, ये कहा जा रहा है कि केजीएमयू में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, वहाँ पर भी इस तरह की दिक्कतें हैं, वहाँ की जो सप्लाई पाइपलाइन है वो ठीक नहीं है और 3 महीने से जो बिल है वो पेंडिंग पड़े हैं। नहीं नहीं, ये जो पाइपलाइन बिल्कुल ठीक, कंप्रेसर की आप बात कर रहे हैं, कंप्रेसर एक नहीं होते, कई कंप्रेसर एक साथ रखे जाते हैं, अगर कोई एक कंप्रेसर खराब होता है तो उसे रिपेयर कराया जाता है, इसलिए स्टैंड बाई में हमेशा कंप्रेसर रहता है। और इसके अलावा हमारे यहाँ 7 लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए, वो बिल्कुल ठीक है, पाइपलाइन भी ठीक है, रिपेयर्ड। बिल का जो होता है, बिल क्वार्टरली इनके पे किए जाते हैं और बिल जहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं मेंटेनेंस वाले हैं तो मेंटेनेंस का क्वार्टरली बिल पेमेंट होता है और वो रेगुलरली होता रहता है। इनके बिल जैसे ही पहुंचते हैं फाइनेंस ऑफिस, वहाँ हम लोग हाँ जल्दी से इनका पेमेंट कराते हैं। अभी इनका बिल पहुंचा है, इनका बिल आगे पेमेंट हो जाएगा। शंकर साहब, एक सवाल मैं करूंगा कि हमारे रिपोर्टर वहां गए थे और उन्होंने जब वहां का दौरा किया, क्योंकि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के जितने बड़े अस्पताल हैं वहां पर हम इस चीज़ का रियलिटी चेक कर रहे हैं कि आखिरकार क्या सब जगह ऑक्सीजन प्लांट ठीक से चल रहे हैं और जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी एकदम सही है, तो क्या आप पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं?
क्योंकि हमारे पास वो दृश्य भी हैं, वो विजुअल भी हैं, जिसमें हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी लगती है कि जहाँ पे ऑक्सीजन के जो पाइप हैं वो सुचारू नहीं है, कहीं पर दिक्कतें हैं। तो आपको लगता है 100% कि आप पूरी तरह से तैयार है, आपको लगता है कि अब इस घटना के बाद और आपको सजग होना पड़ेगा और दोबारा से पूरे के पूरे जितने भी आपने बताया 7 प्लांट है उनकी चेकिंग करानी पड़ेगी? जी, वो सारा चेकिंग हम लोग कराते हैं। हम लोगों ने इसके लिए एक मेंटेनेंस इंजीनियर भी रख रखा है जो यही काम पूरा देखता है और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। अगर कहीं भी कुछ रिप्लेस करने कोई भी जरूरत होगी तो उसको हम लोग तुरंत कराएंगे। जी, मुझे लगता है शंखवार साहब कि आज ही इस काम को अगर कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग वेट ना करें, क्योंकि ये एक बड़ी घटना है और हम लोग इस पर एक मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि देर नहीं करनी चाहिए। आज ही जितने भी प्लांट हैं, जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं, उनकी चेकिंग होनी चाहिए, उनके पाइप्स की चेकिंग होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है और हम लोग क्योंकि जिम्मेदार लोग हैं तो इस घटना से सबक लेंगे। और मुझे लगता है कि आज ही KGMU जो है वो सारे प्लांट्स की और सारी पाइपलाइंस की चेकिंग कराएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं पूर्णतया सहमत हूँ, ऐसा कराऊंगा। तो ये एक बड़ी खबर है, शंखवार साहब ने कहा है कि हम पूरे के पूरे जितने सातों प्लांट हैं उसकी चेकिंग कराएंगे और उनकी तरह से उनका कहना है कि एक मेंटेनेंस इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ये बताया है कि आज ही ये जितने भी प्लांट्स हैं उनकी चेकिंग की जाएगी, जितनी भी पाइपलाइंस हैं उनकी चेकिंग की जाएगी। और ये एक उत्तर प्रदेश का जो एक प्रतिष्ठित कॉलेज है KGMU, वहाँ से एक बड़ी खबर है कि ये जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर ये घटना हुई है, उसके बाद पूरे चाक चौबंद करने की व्यवस्था की जा रही है। ये भारत समाचार पर एक बड़ी खबर है कि KGMU में भी एक बार रिव्यू किया जाएगा। इसी तरह से हम लोग रियलिटी टेस्ट कराएंगे पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ का, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सब कुछ सही है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, जो बेसिक ज़रूरत होती है किसी मरीज की, तो इलाज तो बाद में होगा, पहले वो दम तोड़ देगा। मेरे साथ मेरे संवाददाता मनीष मिश्रा जुड़े हुए हैं। मनीष, मैं मनीष के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दो चिट्ठियां मैं दिखा रहा हूं, जो जवाबदेही की चिट्ठियां हैं, जो फोड़ा जा रहा है, जिस चीज का जिक्र हम कर रहे थे कि ठीकरा किस पे फोड़ा जाए, लेकिन भारत समाचार के पास पुख्ता सबूत है कि कैसे ही पहले कर्मचारियों ने इस बात की जानकारी विभाग को दे दी थी कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, कर्मचारियों को की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया, कमीशन खोरी के कारण इतने लोग काल का शिकार बन गए और अब तुमते लानते बढ़ने का दौर शुरू हो गया है। जी हाँ, ये खबर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो नीचे जो छोटे कर्मचारी हैं उन्होंने ये आगाह किया था कि यहाँ पर दिक्कतें हैं, लेकिन आला अधिकारियों और जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उसके कान में जूं तक नहीं रहेंगी और उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये वो चिट्ठी है। और अब एक चिट्ठी और है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो गलती है वो नीचे के हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं उन पे कहीं कार्रवाई की जाएगी, जो उसके नीचे इंजीनियर हैं जो मेंटेनेंस करते हैं उन पे कोई कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिनके हाथ में इस विभाग की बागडोर है, आखिरकार उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आखिरकार वो क्या करेंगे, आखिरकार वो क्या कोई फैसला लेंगे, या उनको कहीं लगता है कि उन्होंने गलती की? मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी, वो कहते हैं रेड कारपेट मत कीजिए, रेड कारपेट वेलकम मत कीजिए, लेकिन तमाम तस्वीरों में जब देखा है जब मंत्री जी जाते हैं तो चाहे वो डॉक्टर्स हों सरकारी या फिर दूसरे अधिकारी हों, वो रेड कारपेट वेलकम करने में ज़्यादा जुट जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर रेड कारपेट वेलकम से ज़्यादा वो ये ध्यान दें कि उनका जो महकमा है या उनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो सुचारू रूप से चल रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद किरकिरी हो रही है, वो किरकिरी हो रही है योगी सरकार की, सारे विपक्षी दल इनको घेर चुके हैं। अब सीधे चलते हैं अपने संवाददाता मनीष मिश्रा के पास। मनीष, अब सरकार की तरफ से किस तरह की स्टेटमेंट आ रहे हैं, किस तरह का अपडेट आ रहा है, क्या सरकार का एक्शन लेने का मन है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? आज सुबह ही मुख्यमंत्री ने, चूंकि ये मामला रात में काफी हाईलाइट हो चुका था, सरकार इस पे लीपापोती कर रही थी, इससे बचाव में डिफेंडिंग पोजीशन में आके और तुरंत रिलीज जारी कर दिया था कि 7 मौतें हुई हैं, अन्य कारणों से हुई हैं, सिलेंडर से नहीं है। मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव सूचना तक ने जाके बयान दिया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं आशुतोष टंडन का बयान था। आज सुबह तड़के
मुख्यमंत्री ने अपने आवास पे सिद्धार्थनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो हैं टंडन को बुलाया और तुरंत कहा कि गोरखपुर जाएं और सारे मामले की गहन जांच करें, विस्तार से जाने की कमी क्या रही। मैं दो दिन पहले खुद मेडिकल कॉलेज गया था और वहाँ के प्रशासन ने मुझे नहीं बताया कि इतनी बड़ी कमी या सिलेंडरों से वो जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है वो जूझ रहा है। तो सरकार अब एक्शन में है और कहीं ना कहीं विपक्षी दल जैसे ही गुलाम नबी सरकार अगर एक्शन में है तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, आप कह रहे हैं सरकार एक्शन में, मुझे तो अभी नहीं लग रहा कि सरकार एक्शन में है। जी ऐसा एक्शन की बात थी कि वो जैसे ही हमला हुआ मीडिया में सारी खबर आई और ये हुआ कि विपक्षी गुलाम नबी आजाद समेत बड़े नेता जो है गोरखपुर पहुंच रहे हैं, फिर इनको ये आया कि अब अपने मंत्रियों को भेज के हम बचाव करें। तो फिलहाल अभी वो बचाव की ही मुद्रा में है। एक्शन का मतलब यह है कि उन्होंने मंत्रियों को बुला के एक संदेश देने की कोशिश की कि हम मंत्री को भेज के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ है उसके खिलाफ जांच करके कार्रवाई करेंगे और रिपोर्ट मांगेंगे। तो फिलहाल तो यही है, अभी कोई बड़ा एक्शन होता हुआ सरकार की तरफ से नहीं दिखा। जी मनीष, बने रहिए आप हमारे साथ। हम मेरे साथी फरमान अब्बास मंजुल जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। अभी अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फरमान अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुआवजा देना चाहिए सरकार को, 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल को रवाना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अखिलेश यादव ने कहा वो बात सही लगी कि वो इस पूरे मुद्दे पर सियासत नहीं कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, जैसे ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था इस गोरखपुर की घटना को लेकर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि सियासत कर रहे हैं विपक्षी लोग। ऐसे में उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कानपुर की एक घटना का जिक्र किया, जब कानपुर में रेल हादसा हुआ था उस वक्त उन्होंने कहा कि तमाम लोगों ने कहा कि रेल मंत्री का इस्तीफा मांगिए, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव का ये कहना था कि उस वक्त उन्होंने कहा कि ये सियासत का वक्त नहीं, इस वक्त सबसे पहले ज़रूरत है कि वहाँ पर लोगों की मदद की जाए। लेकिन अगर हम विपक्ष में रहते हुए सरकार को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिला रहे हैं तो जो सरकार से जुड़े हुए लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हम सियासत कर रहे हैं। ये वक्त सियासत का नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिल्कुल सियासत इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, सरकार को तमाम अफसर भ्रमित कर रहे हैं और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती है। ये उन्होंने सीधे सरकार के ऊपर हमला बोला और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उसका चरित्र दोहरा है, क्योंकि जब वो विपक्ष में रहते हैं तो दूसरी बातें करते हैं और जब वो सत्ता में हैं तो दूसरी बातें कर रहे हैं। जाहिर है कि जिस तरह से अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्रेसिव नज़र आ रहे थे, जिस तरह से निशाना साध रहे थे सरकार और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उससे साफ जाहिर है कि जो गोरखपुर की घटना है इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसको घेरने की कोशिश कर रही है और सीधे जनता की से की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उठा रही है। यही वजह है कि एक दल भेजा जा रहा है और दल से ये कहा गया है कि वहाँ पर जाकर पूरे हालात को देखें कि किन परिस्थितियों में इस तरह के हालात पैदा हुए कि ऑक्सीजन की कमी हुई और उससे इतनी सारी मौतें हुई, वो दल आकर यहाँ अखिलेश यादव को रिपोर्ट देगा। बहरहाल कुल मिलाकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों। फरमान ये बताइए कि आप बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी को कवर भी करते आए हैं, तो क्या आपने ये सवाल पूछा कि जो इंसेफेलाइटिस से मौतें हुई हैं, ये आज की मौतें एक घटना है, लेकिन उससे पहले जितनी भी सरकारें रही हैं उसमें मौतें हुई हैं, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब भी मौतें हुई हैं, उससे पहले मायावती जब मुख्यमंत्री थी तब भी मौतें हुई हैं, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब भी मौतें हुई हैं, तो ये जो मौतों का सिलसिला है क्या ये किसी एक पार्टी के ऊपर मरने से उनका काम हो गया? क्या उनको नहीं लगता कि जो तैयारियां पहले से की जानी चाहिए थी, पिछली सरकार में भी कोई काम नहीं हुआ, उससे पहली सरकार में भी कोई काम नहीं हुआ और ये सरकार भी कोई काम नहीं कर रही है? बिल्कुल आपने सही कहा कि तमाम सरकारों की जो पिछली सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी रही है और बार बार ये बात सामने आती रही कि उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर के आसपास का जो इलाका है, खासतौर से पूर्वांचल का इलाका, वो वहाँ पर दिमागी बुखार की एक बड़ी समस्या है और हर बार हज़ारों बच्चे इसका शिकार होते हैं और जान से अपनी हाथ धो बैठते हैं। जाहिर है कि सरकारों की जिम्मेदारी थी। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए ये कहा कि उस वक्त जब उनकी हुकूमत थी, यानी पिछली समाजवादी सरकार थी, तो उस वक्त गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में तमाम सुविधाओं की कोशिश की गई। उन्होंने अपनी जो समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार थी, यानी कि अखिलेश यादव से पूर्व की सरकार, जो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस वक्त का भी जिक्र किया और कहा कि उस वक्त भी मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो गोरखपुर में सुविधाओं के लिए उन्होंने
कोशिश की थी। इसके अलावा इस बात पर भी वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और ख़ासतौर से योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना साधने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान गोरखपुर के जो जब सांसद थे योगी आदित्यनाथ, तो मेडिकल कॉलेज को लेकर वहाँ की सुविधाओं को लेकर तमाम हो हल्ला करते थे, और अब जब वो मुख्यमंत्री हैं तो ऐसे में अगर वहाँ पर गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में मौतें होती हैं तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है वो बेहद दुखद है। कुल मिलाकर जो अखिलेश यादव का बयान, चलिए फरमान बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट दिया और किस तरह से अखिलेश यादव सियासी बात ना करते हुए भी सियासी बात ही कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सियासत किस तरह से रंग दिखाती है और जब कोई मौका मिलता है तो घेरने का मौका कोई भी सियासी दल छोड़ना नहीं चाहता है। लफ्ज़ दूसरे होते हैं, अंदाज बयां होता है, लेकिन तीर वही होता है जहां से सियासी फायदा मिल सके। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने बहस शुरू होने से पहले कहा था, जाहिर सी बात है कि ये सियासी मुद्दा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये सियासी मुद्दा नहीं है, क्योंकि सियासी दल तो सियासत करेंगे नहीं। श्रेय, यहां पर दो चीजों को आप अलग अलग जोड़ रहे हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं, सियासतदान और इस देश में सियासत ही समस्याओं को सुलझाने का एक बड़ा माध्यम है। मुझे लगता है उलझाने का माध्यम नहीं सर, ना सुलझाने का माध्यम कैसे है? लोगों की देखने की बात है। आज की डेट में जो वर्तमान व्यवस्था है सरकार चलाने की, वो सियासत करती है और सियासत के ही जरिए आप तमाम जो है विकास के कार्य भी करते हैं, तमाम समस्याएं भी सुलझाते हैं। नागालैंड से लेकर के कश्मीर तक की समस्याएं सियासत ही सुलझा रही है, एक चीज। दूसरी बात में जब आप अभी डॉक्टर वीके सिंह, मुझे नहीं मालूम है कि आपका सरकारी तंत्र से आप आए हैं या कहां से आए हैं, लेकिन इनकी एक दो बातों पर मुझे बड़ी आपत्ति रही। एक बात इन्होंने कही कि साहब 17 बच्चे मर गए थे, बाद में पता चला 9 बच्चे मरे और उस वार्ड में 40 थे, 40 में से 9 ही मरे। तो क्या डॉक्टर साहब या पूरा महकमा चाहता था कि 40 बच्चे मर जाए? उनकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा थी इसलिए वो बच गए, जिनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी वो मर गए। यहां पर एक भी बच्चा अगर मरता है डॉक्टर साहब, आप समझिए मेरी बात को, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि उसका छिद्रान्वेषण हो, उसका माइक्रो आप एनालिसिस करते रहिए, लेकिन जिस वक्त बच्चा मरेगा, अगर 38 बच्चे मरे हैं तो यह अस्वाभाविक मौत है या नहीं है? नंबर एक, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। गोरखपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, प्रशासन बौखलाया हुआ है क्योंकि उसको किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना है ऑक्सीजन कंपनी पर। अब छापेमारी शुरू कर दी गई है, छापेमारी हो रही है ऑक्सीजन कंपनी पर, जो ऑक्सीजन की जिसने सप्लाई की थी उसके यहाँ छापेमारी की जा रही है ताकि किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए अपने गुनाह छोड़कर। अब दूसरों पर एक्शन शुरू कर रहा है, लेकिन बात वही, सवाल वही कि दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, कब हत्या की FIR दर्ज होगी, क्योंकि यह हत्या है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले HR मीनू वालिया की भी सफाई है इसमें, और उनका अपना कहना है कि किस तरह से उनका टेंडर खत्म हो गया था और वो आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मानवता के नाते इस को कंटिन्यू किया था। लेकिन एक और कंपनी है पुष्पा कंपनी, उसकी सफाई क्या है ये सुनते हैं। वो तो बकाया चल रहा था, काफी दिनों से ही चल रहा था, लेकिन एक लिमिट थी। हमारे बंदे भी जाके वहाँ पे मौखिक रूप से भी बोलते थे, वहाँ जाके बैठे रहते थे सुबह से शाम तक, पेमेंट के लिए कोई बात नहीं होती थी। फिर यही आश्वासन दिया जाता था कि आपकी पेमेंट हो जाएगी। डेट आप बता सकती हैं किस डेट से लेके सकते हैं? सर इसके लिए डेट तो नहीं, हाँ अगर आप आधा घंटा वेट करेंगे तो मेरा एक बंदा फाइल लेके आ रहा है, आप चाहे तो लेटर्स की आप फोटो भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री जी 9 जुलाई को भी आए थे वहाँ पे और 9 अगस्त को भी आए थे, तो क्या आला अधिकारियों को या मुख्यमंत्री लेवल पे या अन्य किसी अधिकारी को इससे अवगत कराया गया था? सर अब ये तो वो अधिकारियों का काम है, उनको नॉलेज में तो था। सर हम तो लेटरबाजी में नीचे CC तो कर ही रहे हैं सबको। प्रमुख सचिव इस कर रहे हैं? हाँ प्रमुख सचिव को कर रहे हैं, आपका महानिदेशक को कर रहे हैं, सभी को, मतलब काफी लोग हैं जिनको CC हम कर ही रहे हैं। मंत्री जी को भी लेटर लिखा गया? मंत्री जी को सर ये लेटर तो हम नहीं लिखते हैं, हाँ ये लेटर मेरे एंड से नहीं जाता है, ये जो BRD बेल्ट को देखते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज, उन्होंने लिखा होगा, जो मेरे लेवल तक मुझे पता है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो आपने सुना किस तरह से मीनू वालिया ने सफाई दी और उन्होंने बकायदा चिट्ठी दिखाई और ये कहा है कि किस तरह से वो शासन प्रशासन को लेटर लिख रहे हैं, CC कर रहे हैं और लगातार अपनी बात अपनी समस्या को बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि फाइल कहीं दबी पड़ी होगी, क्योंकि जो महकमे के अफसर हैं उनको फाइलों से नहीं बल्कि नेताजी और मंत्रियों को
फूलों के गुलदस्ते देने से अभी फुर्सत नहीं मिली होगी, तभी तो ये फाइल दबी रह गई और उस फाइल के दबे रहने की वजह से 50 मौतें हो गई हैं। लेकिन क्या अफसोस किया जाए, क्योंकि अपनी नौकरी पक्की करनी है, अपनी सीट पक्की करनी है कि तो फाइलें देखें या बच्चों को देखें या फिर अपनी सीट पक्की करें। तो ये सीट पक्की करने का जो खामियाजा है ये आम जनता को ही भुगतना है, क्योंकि वो इसी के लिए बनी है। हम लोग जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी हम अभी इन छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अभी हम दरकार कर रहे हैं कि एक हॉस्पिटल में जनाब ऑक्सीजन होनी चाहिए थी, आज हम बहस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिली तो बच्चों की मौतें हो गई, आज हम कह रहे हैं कि आखिरकार किन पर कार्रवाई होगी। 70 साल की आज़ादी के बाद अभी हम ऑक्सीजन से लड़ रहे हैं, और अब ये मुद्दा इतना गहराता जा रहा है, इतना भारी होता जा रहा है, बीजेपी के अंदर से आवाज़ उठने लगी है। बीजेपी में जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी और दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। साक्षी महाराज का बयान मैं आपको सुनाता हूं। ऑडियो प्रॉब्लम है, मैं आपको दोबारा से ये पूरी की पूरी जो बाइट है वो सुनवाऊंगा, लेकिन हम लोग मैंने सुरेंद्र राजपूत जी को रोका था। सुरेंद्र जी, आप एक बात कह रहे थे जिसमें आपने कहा कि चाहे एक बच्चे की मौत हो या फिर 10 बच्चे की मौत हो, मौत कह रहा था। मैं डॉक्टर साहब से वही निवेदन कर रहा था, एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, और पत्थर की अदालत है, शीशे की गवाही है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या फंस रही है ना श्रेय भाई, वो ये फंस रही है कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। राजनीतिक नेतृत्व जो सत्ता चला रहा वो कहता अधिकारी दोषी हैं, अधिकारी कहता है कि साहब हमने तो दे दिया था, मुख्य सचिव दोषी हैं, मुख्य सचिव कहता है कि वो डॉक्टरों ने नहीं बताया, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी ये जांच का विषय है, 38 मरे 48 मरे, रोज कितने मरते थे, उसका एवरेज क्या है, उसके एवरेज के आप ऊपर। अरे भाई उसका एवरेज भी आप डाउन कीजिए, पहले 1000 बच्चे जब मातृ शिशु दर में था 200-300 बच्चे मरते थे, आज 45 रह गए हैं। तो सच्चाई है कि उसको भी कम करना आपका काम, और राजनीतिक नेतृत्व का जो काम है उस राजनीतिक नेतृत्व का काम है कि आपको सुविधाएं मुहैया कराए, आपको इंसेफ्लाइटिस के टीके उपलब्ध कराए, जापानी इंसेफ्लाइटिस के, आप वो टीका लगाइए, आप बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज को फुल इक्विप्ड कीजिए। लेकिन आप ये अगर कहेंगे कि साहब 50 मौतें हुई तो उसमें एवरेज निकाल लीजिए, तो ये बहुत दुखद है और ये बहुत शर्मनाक है, इसके लिए कोई भी सफाई नहीं चल सकती। सिंह साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मौतों के ऊपर ये नहीं कहा जा रहा था, कहा जा रहा था पूरी घटना की एनालिसिस, जिससे सत्य पे पहुंचे, और अननेसेसरी जहां तक गलती है वो तो गलती है, लेकिन डॉक्टर साहब ये एनालिसिस करने का वक्त नहीं है, कार्रवाई करने का वक्त है, कार्रवाई करने का वक्त है। आप मुझे 2 मिनट दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, सियासत में उत्तर प्रदेश में हर पार्टी की सरकार रही, किसी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट 2 तरह के होते हैं, एक तो जो लिक्विड ऑक्सीजन वो होती है जहां सेंट्रल सप्लाई आईसीयू में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, ज्यादातर मेडिकल कॉलेज में ये बच्चे जो होते हैं उनको वार्ड में दी जाती है सिलेंडर से। किसी मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश में 70 सालों में किसी सियासतदार रहा हो, कोई रहा हो, वो ऑक्सीजन प्लांट बनाने वाला नहीं है, सब जगह प्राइवेट से सप्लाई ली जाती है। और जैसे अन्य ठेकों में होता है कि पहले वो सप्लाई पूरी करे, फिर उसका मेमो जाए, फिर उसका बिल जाए, तब पेमेंट आता है, इसमें लाइफ सेविंग उसमें भी एडवांस पेमेंट का प्रावधान नहीं है, आप अपना बनाते नहीं है एडवांस देके। मुझे लगता है हॉस्पिटल्स को आपके मुताबिक नहीं, मैं अब मैंने आपकी बात सुन ली, आप सुनिए मेरी बात, मुझे लगता है कि फिर तो हॉस्पिटल के बाहर ये सब चीजें लिख देनी चाहिए ना कि हम ऑक्सीजन इन 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 नियम व शर्तें लागू, हम ये तरीके हैं हमारे, कि हम आप हमारे यहाँ बच्चा मत लाइए, बच्चा आए हमारे यहाँ बच्चा मत लाइए, ऑक्सीजन की जिम्मेवारी नहीं, ऑक्सीजन की जिम्मेवारी नहीं। सरकार को लिखना चाहिए जितने बिल्डिंग्स में फायर के एनओसी नहीं प्राप्त है, वो लिखना चाहिए कि इन बिल्डिंग में फायर तो एनओसी नहीं प्राप्त है। डॉक्टर साहब, फिर आप जैसे लोगों को हम सरकारी नौकरी में रखें क्यों? नहीं, मैं भाई सरकार की नहीं, आप हो या ना हो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रहे क्यों? देखिए, ऐसा मेडिकल कॉलेज को आग लगा दो,
सरकार को भी पूरी तरह से पता है कि कहां कितनी ऑप्शन मिलती है। और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, संवेदनहीनता नहीं है। आज इस घटना को आप ये बताइए, ये बताइए सिंह साहब, हम इस घटना को दरकिनार कैसे कर दें, ये बताइए। क्या हॉस्पिटल में बाहर लिखवा दें? आप कहते हैं क्या आप लिखवा देंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से मिलती है? आप ये बताइए, ये बताइए क्या क्या हॉस्पिटल्स का एक बजट नहीं है? उस बजट के तहत बस बजट जो है, बजट है और पूरा बजट है समय पे जारी हुआ। वो आपकी वो गलती है, वो शासन की गलती है, वो शासन की गलती है जी। वहाँ पे सीएमएस भी बैठे हुए हैं सिंह साहब, वहाँ पे सीएमएस भी बैठे हैं। सीएमएस डॉक्टर होता है, जो मेडिकल कॉलेज के आपके प्रिंसिपल होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है? आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर जिसने ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी वो दोषी है? भाई कहना तो नहीं चाहता था, सुन लीजिए एक बार। एक तबके को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ डॉक्टर दोषी नहीं है, वहाँ सब दोषी है सर। जब तक सीएमएस को चढ़ावा नहीं जाता, उसका पेमेंट नहीं होता उस पर क्या नाम ऑक्सीजन सिलेंडर वाले का और दवा वाले का, मैं आपसे बता रहा हूं। लिखिए जी, मैं आपकी इस बात का जवाब लेना चाहूंगा शंखवार साहब से। शंखवार साहब, कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही है, कह रहे हैं कि जब तक सीएमएस को चढ़ावा नहीं जाता है तब तक सीएमएस पूरे सिस्टम को जी सिस्टम को तब तक काम आगे नहीं बढ़ता है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? सर हमारे यहाँ 100% ऐसा कभी नहीं होता है। कभी भी आप वेंडर से पूछ लीजिए सर, 99% होता है क्या? 100% नहीं होता, ना ही होगा। हमारे यहाँ नहीं होता। आप किसी से पूछ सकते हो। तो ये 65 लाख का बकाया कैसे रह गया डॉक्टर साहब? आप तो स्वयं में बड़े डॉक्टर हैं। ये गोरखपुर में सिर्फ इतना बता दीजिए कि बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज का 65 लाख रुपए का किसी ऑक्सीजन सिलेंडर कंपनी का तो पिछले केवल 6-7 दिनों में ही लगभग 60 से अधिक मासूम बच्चों की हुई मौत से वहां महिलाओं की गोद उजड़ जाना, यह बीजेपी शासनकाल में जनहित व जन कल्याण की घोर आपराधिक लापरवाही का एक खास उदाहरण है। और इस अत्यंत दुखद व दर्दनाक घटना के लिए बीजेपी सरकार की जितनी भी निंदा की जाए वह कम ही होगी। वैसे बीजेपी का स्वभाव गलतियों को स्वीकार कर लेने वाला नहीं है। ये जो भी कुछ हुआ इनको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उनकी पूरी आर्थिक मदद करनी चाहिए। और लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि वैसे बीजेपी का स्वभाव गलतियों को स्वीकार कर लेने वाला नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की इस प्रकार की घोर आपराधिक लापरवाही के लिए विभागीय मंत्री को बर्खास्त करने का मामला मैं मुख्यमंत्री के विवेक पर ही छोड़ देना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। इसके साथ ही पीड़ित परिवार वालों को न्याय दिलाने के प्रयास के तहत ही मैंने आज अपनी पार्टी की ओर से तो 3 लोगों का प्रतिनिधि मंडल वहाँ जहाँ पर ये मासूम बच्चों की डेथ हुई है उस स्थल पर वहाँ पर देखने के लिए भेजा है हॉस्पिटल में। और जो 3 सदस्य मैंने भेजे हैं तो उसमें मैंने अपने स्टेट के प्रेसिडेंट को भेजा है, उत्तर प्रदेश के स्टेट के पार्टी के, और विधानसभा में हमारी बीएसपी का दल का जो नेता है उनको साथ में भेजा है, और उस क्षेत्र के हमारी पार्टी के जो प्रभारी हैं, ये 3 जिम्मेवार लोगों को मैंने उधर भेजा है हॉस्पिटल में कि आप उधर जाओ और वहाँ पर पूरी स्थिति का जायजा लेकर मुझे सही तथ्यों से वो अवगत कराएंगे। और मैं समझती हूँ ये घटना बहुत ही दुखद है और इसके लिए मुख्यमंत्री को मेरे ख्याल जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें कोई इनको कोताही लापरवाही इनको बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। और बेहतर तो यही है, इतनी बड़ी घटना घटी है और 60 जो मासूम बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है उनकी माताओं की गोद उजड़ गई है। तो मैं समझती हूँ कि मुख्यमंत्री को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जो इस विभाग का मंत्री है उसको बेहतर यही है, उनके विवेक पर ही छोड़ देती हूँ,
तो वो क्या डिसीजन लेते हैं उनके विवेक पर ही मैं छोड़ देती हूँ। और मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि बेहतर यही होगा कि उनको बर्खास्त करना चाहिए मंत्री पद से। ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार इतना बड़ा हादसा हो गया, इसके बाद भी अपनी गलती मानने की बजाय वो कह रहे विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है। नहीं नहीं, वो तो मैंने बताया ना कि इनका जो बीजेपी का जो नेचर है, स्वभाव है, वो कभी भी अपनी गलती को ये नहीं मानेंगे कि हमने गलती की है। और अपनी गलती को छिपाने के लिए वो विपक्ष को ऊपर वो सारी अपनी गलतियां थोप देते हैं, आरोप लगा देते हैं कि विपक्ष उनको बदनाम कर रही है। विपक्ष कहां से बदनाम कर रही है? हाहाकार मचा हुआ है पूरे पूर्वांचल में, पूरे गोरखपुर के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यमंत्री जी अपने दौरे पे थे, अपने गृह जनपद में थे, उन्होंने वहां पे समीक्षा भी की थी, बावजूद उसके चीजें सामने नहीं तो ये देखना, ये देखना चाहिए था ना मुख्यमंत्री को। ये मुख्यमंत्री को एक एक जो तथ्यों की बारीकी से उनको छानबीन करनी चाहिए थी। वहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होना, और ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन जो उपलब्ध कराने का जिनको भी जिम्मेवारी दी हुई थी उनका पैसा नहीं दिया गया समय से। बार बार वो पैसे की डिमांड कर रहे थे, उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की। हॉस्पिटल के मामले में खास तौर से ऑक्सीजन को लेकर सरकार इतनी गैर जिम्मेवार होगी, लापरवाही होगी, इतनी उदासीन होगी, मैं समझती हूँ कि ऐसी सरकार के रहते हुए जनता यहाँ सुरक्षित नहीं रह सकती है। अभी तक इसमें मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं है, उनके गृह जनपद का मामला है, अभी तक उनका कोई बयान नहीं है, कोई मुआवजा किसी तरीके की, कोई राहत या कोई उनकी तरफ से कुछ नहीं है। कैसे भी कुछ मैं समझती हूँ कि इसको दुर्भाग्य ही आप कह सकते हैं। ये जो सरकार बनी है तो ये दुर्भाग्य है यहाँ की जनता का। वो तो आपने सुना मायावती ने कहा कि किस तरह से बीजेपी सियासत कर रही है, और अब असल में सियासत शुरू हो गई है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि सियासत के ये मरहम सियासी हैं, और माँ की ये कोख सुनी है और उसकी नज़रों में उदासी है। तो आप उस माँ का दर्द समझिए, उस माँ का गम को समझिए, उस परिवार से जिस परिवार का बच्चा चला गया हो उनका दर्द समझिए। और एक एक मौत हमारे लिए शर्मिंदा कर देने वाली मौत है, बेशकीमती मौत, वो उसकी कोई कीमत नहीं है जिसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप कितना भी मुआवजा दे दें लेकिन अब वो माँ के कलेजे को ठंडक नहीं दे पाएगा। उसके जो दिल का दर्द है वो वही समझ सकती है। हम लोग यहाँ बहस कर रहे हैं, हम यहाँ मुद्दे उठा रहे हैं क्योंकि ये हमारा अधिकार है, और हम उस सोए हुए तंत्र को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारे पास समय थोड़ा कम है, मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूँगा। सुरेंद्र जी, सबसे पहले पूरा घटनाक्रम आपने देखा, क्या फाइनल कमेंट है, क्या आखिरकार होना चाहिए कि इस तरह के दर्दनाक और शर्मनाक मंजर हमें आगे भी देखने को न मिले? सर, इस पर तीन स्तरीय कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर एक, तो जो हुआ है उनको, लोगों को एक अच्छी हेप्टी संख्या में 20 लाख रुपए पर हेड आप मुआवजा दीजिए। मुआवजे से उनका दर्द कम नहीं होगा ये मैं मानता हूँ। माओं की जितने की गोद उजड़ी है उस हम उसको वापस नहीं कर सकते, लेकिन उनसे क्षमा तो मांग ही सकते हैं। दूसरी बात, सरकार के संबंधित अधिकारी और संबंधित मंत्री और जो संवेदनहीन इनके प्रवक्ता हैं उनके खिलाफ नरसंहार का मुकदमा हो, ताकि आने वाले दिनों में एक अकाउंटेबिलिटी का कानून जरूर बने इस देश में, इस प्रदेश में, कि वो किसी की जिम्मेवारी जरूर तय। फाइनल कमेंट है, एज ए डॉक्टर आपको क्या लगता है? डॉक्टर, मुझे ये लगता है कि आपके पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्राइवेट कंपनी को पेमेंट नहीं होने के कारण उसने ऑक्सीजन सप्लाई बंद की, भले ही कुछ समय के लिए की, लेकिन उन्होंने माना कि हम क्या करते, हमें पैसे नहीं मिल रहे थे। तो पहली बात, तो पेमेंट क्यों नहीं हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो एक मोस्ट इसेंशियल कॉमोडिटी है, इसका तो एडवांस में पेमेंट जाना चाहिए, 5-7 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। तो पेमेंट रुका, अगर ज़बरदस्ती रोका गया, किसी की लापरवाही से रोका गया, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट में रोका गया, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, शंखवार साहब के पास चलते हैं। शंखवार साहब, आपने पूरी त्रासदी को देखा और हम लोगों ने केजीएमयू के हालात भी आपसे जानने की कोशिश की, आपके फाइनल कमेंट क्या है 20 सेकंड में? जी हाँ, हमारा फाइनल कमेंट यही है कि ये सुविधाएं ऐसी हैं, इनको पूरी तरह से मेंटेन रखना जरूरी होता है, और कंपनी
तथा ये यहाँ के जो अधिकारी उनके बीच में वार्तालाप जरूरी है, अगर पेमेंट में दिक्कत आ रही थी तो अच्छे से बात करके कंटिन्यूटी जारी रखनी चाहिए थी और पेमेंट के लिए उच्च अधिकारियों से बात करके उनका पेमेंट होना चाहिए था। साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि गोरखपुर जैसी जगह में वहाँ इंसेफ्लाइटिस ज्यादा है, एम्स का जल्दी से जल्दी निर्माण होना चाहिए और वहाँ को एक कर्मठ डायरेक्टर हो जो अच्छी तरह से सारा मेंटेन करे। जी शंकर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी हमारे जो गेस्ट हैं उनका यही कहना है कि एक बहुत बड़ी कमी थी और इस कमी की वजह से एक बड़ी त्रासदी हुई और इसको ठीक किया जाना चाहिए, सिर्फ एक स्तर पे नहीं कई स्तर पे ठीक किया जाना चाहिए, यानी कि आमूलचूल परिवर्तन की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे से और इस मुद्दे के बाद जो हलचल हुई है, जो पूरा उत्तर प्रदेश झंझकोर के रख दिया है, शासन जागेगा, प्रशासन जागेगा, खून टपका है, जमा है, ये जरूर खून टपका है, जमा है, जरूर पिघलेगा, कल इसी पहाड़ से सूरज जरूर निकलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम ये आशा करते हैं कि सरकार जगेगी और दोषियों पर कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करने के बाद इस तरह के मंजर हम लोग को सामने नहीं देखने पड़ेंगे। इस डिबेट में अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आगे बने रहिए भारत समाचार के आगे के कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।